नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों मैं हूं इस वक्त भाईंदर पुलिस स्टेशन के प्रभाग कार्यालय क्रमांक 1 के पास में, जहां पर आप ये मेरे पीछे भीड़ देख सकते हैं कि किस तरह से जो अपने मूल गांव जाना चाहते हैं, जो अपने वतन जाना चाहते हैं, उन लोगों का यहाँ पर मेला लगा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की किसी भी प्रकार की कोई नियमों का पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से नज़ारा यहाँ पर आज दिखाई दे रहा है, यही नज़ारा मीरा भाईंदर शहर के हर उस मेडिकल सेंटर पर दिखाई दे रहा है जहां पर लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर दिया जा रहा है। इस को देखते हुए जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही है, इस मामले में हमने मीरा भाईंदर मनपा की जो महापौर है ज्योत्ना हसनाले, उनसे हमने बात की तो उन्होंने हमसे बताया कि अगर ऐसे ही नज़ारा दिखाई देगा, ऐसे ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेंगे, उनकी धज्जियां उड़ेंगे, तो उन्हें ये पूरी प्रक्रिया को बंद कर देना ही बेहतर होगा। ताकि शिवसेना शाखा की तरफ से आदरणीय प्रताप जी सरने के साहब के आदेश से आज पूरा मीरा भाईंदर में जो घर प्रांतीय है, जो लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए साहब ने ये सब फॉर्म भर के उनको भेजने की, फॉर्म जमा करके उनकी जाने की सुविधा के लिए हम लोग सहकार्य कर रहे हैं कि अपन फॉर्म यहाँ पे ऑनलाइन भी भर रहे हैं और ऑफलाइन भी भर के उनको सहकार्य कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं कि कैसे फॉर्म भरा जाए, कैसे जमा किया जाए, ये हम उनको सहकार्य कर रहे हैं। इस बात को मैं मानती हूँ कि लोग भीड़ में लोग आज घूम रहे हैं और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अपने गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए उनकी जो हलचल हो रही है, इसके लिए वो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए भीड़ जमा कर रहे हैं और इससे कोरोना बढ़ेगा, ये इस बात को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ऐसी परिस्थिति में प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए कि उनमें डिस्टेंस बने रहे और डिस्टेंस के साथ में वो अपने मतलब ये सर्टिफिकेट ले, ताकि अपना एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके जो होने वाली तकलीफ़ है उससे वो दूर रह सकते हैं। ऐसे कि मीरा भाईंदर शहर में ये कोरोना का प्रादुर्भाव रोकने के लिए हमने 100% लॉकडाउन किया था, बहुत सारे लोगों ने उसमें तकलीफ सही और यहाँ पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए आज जो यहाँ पे सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, ये गलत हो रहा है कि सर्टिफिकेट लेने के लिए लोग भीड़ कर रहे हैं, ना कोई तालतंत्र है, ना कोई आपस में वो लोग डिस्टेंस रख रहे हैं, इससे शहर में कोरोना बढ़ सकता है और कोरोना अगर बढ़ेगा तो शहर में बहुत बड़ा खतरा हमें झेलना पड़ेगा। तो इसको रोक लगाने के लिए अगर पुलिस प्रशासन आगे आके उस पर कार्रवाई नहीं करेगी, नहीं तो फिर हमें वो निर्णय लेना पड़ेगा और ये जो बाहर जाने का जो मेडिकल सर्टिफिकेट देने का कार्य है उसको हमें रोक लगानी पड़ेगी। ओपीडी सेंटर पर दिए जाने वाले इस मेडिकल सर्टिफिकेट पर होने वाली भीड़ को देखते हुए मेयर ज्योत्ना हसनाले ने साफ कर दिया है कि इस निर्णय को अब वापस भी लिया जा सकता है। दोस्तों हमारे मीरा भाईंदर शहर में कोरोना पर काबू पाने के लिए मनपा आयुक्त चंद्रकांत डांगे, मनपा के छोटे बड़े सभी अधिकारी, मनपा विभाग के सभी कर्मचारी, सभी अधिकारी, पूरा पुलिस प्रशासन, छोटे से छोटे हवलदार से लेकर एसपी, आईजी, कलेक्टर, कलेक्टर का स्टाफ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पूरा स्टाफ, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, रोज़ाना 50,000 लोगों को खाना बनाकर खिलाने वाले कुक, उनके कर्मचारी, उनका स्टाफ, फायर ब्रिगेड स्टाफ, वाटर डिपार्टमेंट स्टाफ, सामाजिक संगठनाएं जो ज़रूरतमंद लोगों को घरों तक का खाना अनाज पहुंचा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन करने वाली जनता, आप, मैं, शहर के सभी राजनीतिक दल, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता, उनके नगर सेवक, यहां तक कि हमारे सोसाइटी का कचरा उठाने वाला सफाई कर्मचारी और बहुत से लोग जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, इन सब की कोशिशों पर इस भीड़ ने आज पानी फेर दिया है। मनपा प्रशासन के सामने 1.5 महीना पहले सबसे बड़ी चुनौती कोरोना पर काबू पाने की हुआ करती थी, लेकिन आज जिस तरह से ये भीड़ सामने नज़र आई है, ये मनपा प्रशासन के सामने बहुत दूसरी बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मनपा की नज़रों में इस भीड़ पर काबू पाना एकमात्र लक्ष्य है, या कोरोना पर पिछले 1.5 महीने से जो मेहनत की जा रही है, जो इतने लोग उसके पीछे लगे हैं कि किसी तरह से कोरोना पर काबू पाया जाए, भीड़ को ख़त्म किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से अमल में लाया जाए, लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आई है उसको देखते हुए मनपा के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। हम उम्मीद करते हैं इस खबर के माध्यम से कि मनपा प्रशासन, सरकार इस मुद्दे पर, इस फैसले पर दोबारा गौर करें, दोबारा सोचें कि उन्हें कोरोना पर काबू पाना है या इस भीड़ पर काबू पाना है। कहीं सरकार का ये निर्णय गलत तो नहीं रहा,
ये सवाल भी हम यहाँ पर खड़ा करते हैं। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर, धन्यवाद।